डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे, अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज फिर आपसे मुलाकात है लाइव सेशन में, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने अपनी स्किन को इवन टोन कैसे रखना है और उसका लुक आफ्टर कैसे रखना है कि वो हमें डल ना लगे। जो कि आपको पता है कि गर्मियों में और इस सीजन में बहुत आसानी से स्किन डल लगना शुरू हो जाती है। तो बार बार मैं जब अभी कर रही थी लाइव सेशंस लास्ट वाले, तो उसमें बार बार यही बात आप लोग पूछे जा रहे थे कि वाइटनिंग के लिए कुछ बता दें, वाइटनिंग के लिए कुछ बता दें। तो देखिए, स्किन तो वही अच्छी लगती है जो कि इवन टोन्ड होती है। जब टोन इवन होती है तो उसको लाइट करना भी आसान होता है और वो देखने में भी अच्छी लगती है, फ्रेश लगती है, हेल्दी लगती है। तो चलें इसके ऊपर बात स्टार्ट करते हैं, और पहले साथ साथ देखते हैं कि आप लोगों ने हमें कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है। हबीबा फातिमा ने ज्वाइन किया है, बुशरा उस्मान ने ज्वाइन किया है, मिसबा ने ज्वाइन किया है, हुंजन बुतीक ने ज्वाइन किया है, जोया जीके ने ज्वाइन किया है, उसके बाद एम नूरेन फाइव ने ज्वाइन किया है, उसके बाद डर्मा बायो हेल्थ केयर ने ज्वाइन किया है, नासिर मजारी ने ज्वाइन किया है, फायजा मलिक ने ज्वाइन किया है, महरीन गुलाम ने ज्वाइन किया है, उसके बाद जहरा हयास ने ज्वाइन किया है, मनहा ने ज्वाइन किया है, नाहिद खान ने ज्वाइन किया है। नाहिद खान कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और नाहिद खान कह रही हैं हाउ आर यू, आई एम गुड। आप सब लोग कैसे हैं ये भी बताते जाएं कि आप सब लोगों ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है, और ये भी बताएं कि आपकी स्किन रूटीन क्या है। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारी स्किन रूटीन हम तो कर रहे हैं, हमने ये भी किया हुआ है, ये भी लिया हुआ है, वो भी लिया हुआ है, ये भी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं, लेकिन हमें उस तरह से रिजल्ट नहीं आ रहा होता। उसमें दो तीन इश्यूज हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है वो सूटेबल नहीं है आपकी स्किन टाइप के लिए, आपके वेदर के हिसाब से। और सेकेंडली ये भी होता है कि शायद आप जिस तरीके से उसको अप्लाई कर रहे हैं, जिस मैनर में उसको अप्लाई कर रहे हैं, जिस ऑर्डर में अप्लाई कर रहे हैं कि पहले क्या चीज लगानी थी फिर क्या चीज लगानी थी, शायद उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। महर गिलानी ने ज्वाइन किया है, नाहिद खान कह रही हैं माशाल्लाह लुकिंग सो फ्रेश एंड प्रिटी, थैंक यू वेरी मच नाहिद। उसके बाद वजीहा ने ज्वाइन किया है, वो कह रही हैं हेयर कलर कंपनी बता दें मैम। मैं जो हूं, मैं प्रिवाना के हेयर डाइज यूज करती हूं। हमारे क्लिनिक में भी जो हम कस्टमर्स के लिए करते हैं, पेशेंट्स के लिए करते हैं, वो प्रिवाना के ही डाइज यूज करते हैं, उसी के टोनर्स यूज करते हैं, उसी के जो है वो ब्लीच है, जो भी चीज है वो यूज होती है, और मैं अपने लिए भी प्रिवाना के ही यूज करती हूं। वजीहा कह रही हैं अच्छा, वो कह रही है कलर को मेंटेन रखने के लिए शैम्पू बता दें। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए पता होना चाहिए या इसलिए इसके ऊपर बात करते हैं ताकि आप लोग भी अपने डाई को मेंटेन कर सकें। ये नहीं हो कि आपने जो है वो डाई लगाया है और विद इन 10 डेज जो है वो वेयर ऑफ होना शुरू हो गया है, और अब आप सोच रहे हैं कि मैं दोबारा कर लूं, और ऐसे करते करते बाल तो टोटली खराब हो जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल है कि आपके बाल ठीक रहे। तो उसके लिए आपने जो शैम्पू यूज करना होता है वो कलर सेफ या फिर सल्फेट फ्री कहलाता है। कलर सेफ शैम्पूज आते हैं या सल्फेट फ्री शैम्पूज कहते हैं उनको, वो आप यूज करेंगे तो उससे आपका जो कलर है वो मेंटेन रहेगा। दूसरी एक बहुत ही जरूरी चीज जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सैलॉन्स पर प्रैक्टिस नहीं की जाती है, दैट इज दी टोनिंग। टोनिंग क्या होती है कि इस टोनिंग में जिस तरह से आपके डाइज आते हैं ना, उस तरह से आपके टोनर्स भी आते हैं, उसके ऊपर टोनर ही लिखा हुआ होता है। टोनर के भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो आप अपने डाई के शेड से मिलता जुलता शेड जो है उसका टोनर लेंगे, और जो टोनिंग है वो आप हर 20 डेज के ऊपर, 15 to 20 डेज के ऊपर अपने कलर को फ्रेश करने के लिए कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें जो इसका एक्टिवेटर होता है, जैसे डाई होता है, डाई के साथ जो है वो उसका एक्टिवेटर होता है जिसके साथ उसको मिलाते हैं और फिर डाई को लगाते हैं तो वो काम करता है, उसी तरह से जो इसका टोनर का एक्टिवेटर होता है वो जीरो वॉल्यूम होता है, उसके ऊपर कोई वॉल्यूम नहीं होता, तो वो आपके बालों को खराब नहीं करता, आपके पोर्स के, आपके बालों के पोर्स को नहीं खोलता, बालों को भी खराब नहीं करता, रफ नहीं करता, ड्राई नहीं करता, और आपका कलर जो है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अनिला असगर ने ज्वाइन किया है, हमीदा मुनीर ने ज्वाइन किया है, एनू 14 ने ज्वाइन किया है, नाई खान कह रही है मी फ्रॉम इस्लामाबाद। ओके जी, गुड, हम तो फिर नेबर्स ही हुए ना। ओके वजीहा कह रही है मैम डार्क लिप्स के लिए आपने लिपलेक सजेस्ट की थी बट नो रिजल्ट्स। यार, डार्क लिप्स को ठीक करना इतना आसान नहीं है, ज्यादातर जो है इसके अंदर हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, करनी पड़ती है,
क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जैसे आप मुझे कह रही हैं कि मुझे लगाते हुए पता नहीं 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, जो भी टाइम हो गया, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है। वाकई सिर्फ खाली लगाने वाली चीज़ें डार्क लिप्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं। ज़रूरत इसी बात की होती है कि अगर कोई ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको हटा लिया जाए, जैसे स्मोकिंग होती है या फिर फ्लोराइड रिच जो है वो टूथपेस्ट होते हैं, या फिर सब क्वालिटी वाले यानी कि क्या कहना चाहिए, पुअर क्वालिटी वाले जो हैं वो आप लिप प्रोडक्ट्स जैसे आपकी लिपस्टिक्स आ जाती हैं, आपकी जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप लिप्स पे यूज़ करते हैं, लिपस्टिक भी हो सकती है, कोई आपका आपकी लिप पेंसिल भी हो सकती है, उसके अलावा जो है वो आपका कोई भी लिप बाम हो सकता है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसकी वजह से भी डार्कनिंग हो जाती है। लेकिन अब हो गई है तो उसमें डेफिनेटली आपको किसी ना किसी सपोर्टिव प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। लेज़र्स बहुत अच्छा काम करते हैं और मीज़ोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। जो लेज़र है वो पिगमेंट को कम करने वाला, हटाने वाला लेज़र यूज़ किया जाता है, और उसके साथ जो हमने करना है ये मीज़ो करनी है तो वो भी हम एंटी पिगमेंट्री करते हैं या ब्राइटनिंग वाला करते हैं, तो उससे कलर जो है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। और फिर मेंटेन आप कर सकते हैं विद दीज थिंग्स। एक तो ये जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो ना हो, वो आपको हटाने चाहिए, और उसके साथ साथ जो आपको लगाने के लिए देते हैं वो उसके थ्रू फिर आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। चले अब अपना टॉपिक जो है वो भी रिमशा खान कह रही हैं कि उन्होंने सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन किया है। चले जी, बहुत थैंक्स आप लोगों का ज्वाइन करने का। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी स्किन को डल होने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। स्किन जो है वो हमारा मोस्ट एक्सपोज्ड एरिया है, सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड रहता है, स्पेशली जो फेस है। यहाँ पे भी हम कपड़े पहन लेते हैं, इधर भी कपड़े होते हैं स्किन के ऊपर, हाथ हमारे बच जाते हैं, हाथ जो है वो यूजुअली बेयर होते हैं तो उनका भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, फेस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, इवन हमारे हेयर का कितना एक्सपोजर होता है लेकिन हम ख्याल ही नहीं करते। तो इसमें ये है कि आपने अपने आप को एक्सपोजर से कैसे बचाना है और कैसे आपने अपनी स्किन को, स्किन के कलर को या टोन को इम्प्रूव करना है। बचाने के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सनब्लॉक है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप ना सोचें कि आप आज लेट उठे हैं, आज आप घर में बैठे हुए हैं, आज तो आपने बाहर नहीं निकलना, आज तो बाहर जो है वो बारिश हो रही है, आपने सनब्लॉक लगाना है, आप अपनी आदत बना लें, ये तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है कि हम अपनी रूटीन में क्या क्या चीज़ें ऐड करें। इसमें डे में भी आपको चाहिए कि आप एंटी ऑक्सीडेंट्स वाली क्रीम्स या चीज़ें जो हैं वो यूज़ करें, कोई एक चीज़ रख लें, और एक आप जो है वो नाइट टाइम में यानी कि लगाए बगैर तो ना सोएं, आपको आदत पड़ जाएगी तो फिर आप वाकई उसको लगाए बगैर नहीं सो सकेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स ये भी होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो अगर आप उसकी क्लेंजिंग नहीं करते, आप सूटेबल फेस वॉश नहीं यूज़ करते तो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं, जब वो एब्जॉर्ब, तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्रीम्स और कुछ आपको फेस वॉशेस दिखाने लगी हूँ। ये देखें, ये फेस वॉश है। अब ये वाला जो फेस वॉश है ये बेसिकली विद ग्लूटाथायोन है। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला फेस वॉश जो है ये वाइटनिंग या फिर आपकी स्किन को जो है वो बेहतर करेगा, आपकी स्किन के कलर को भी बेहतर करेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक और, ये भी जो है ये वाइटनिंग वाला है, ये भी वाइटनिंग करेगा किसी भी स्किन टाइप के लिए, कि दोनों किसी भी स्किन टाइप पे यूज हो जाएंगे। एक मुझे जो है वो एसीएम वाला फेस वॉश ला के दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ये भी एक ब्राइटनिंग फेस वॉश है जो कि कलर को लाइटन अप करने में हेल्प करेगा, ये भी बहुत अच्छा है, ऑल स्किन टाइप्स है। अभी तक मैं जो भी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ वो ऑल स्किन टाइप्स है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और ये दिखा रही हूँ, ये भी वाइटनिंग और ब्राइटनिंग वाला फेस वॉश है, ये भी फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। आप ऐसा किया करें कि क्योंकि उल्टा भी नज़र आ रहा होता है और इतनी जल्दी में आप सुन भी रहे हैं और लिख नहीं पाते, तो आप ऐसा किया करें कि आप स्क्रीनशॉट उसी वक्त ले लिया करें और बाद में जो है वो आप इसकी डिटेल जो है वो भी ले सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक और, ये देखें, ये भी जो है ये बेसिकली वाइटनिंग वाला फेस वॉश है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये सारे फेस वॉशेस जो हैं ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, ठीक है। अब मैं दिखाने लगी हूँ कि कोई ऐसा फेस वॉश जो कि आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा मेच्योर है, बहुत ज़्यादा ड्राई है और फ्लेकी रहती है या ड्राई रहती है, बहुत मेच्योर या एजड स्किन है, तो फिर आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी ज़्यादा है तो तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैं फेस वॉश दिखा रही हूँ।
अब हम आ जाते हैं डिफरेंट क्रीम्स पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये दो दिखाने लगी हूँ, इसमें डे और नाइट दोनों हैं, डे वाली भी है और नाइट वाली भी। ठीक है, आपने सनब्लॉक से पहले ये यूज करनी है और रात को सोने से पहले ये यूज करनी है। ये देखें, ये सन की तरह ऑरेंज इसके ऊपर है, ये बहुत अच्छी बहुत प्यारी ब्राइटनिंग क्रीम है। ये आप डे में यूज कर सकते हैं और ये नाइट में, ये इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक और क्रीम, ये वाली क्रीम देखें, ये भी ऑल स्किन टाइप्स है, ये आप डे टाइम में भी लगा सकते हैं और नाइट टाइम में भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक ये वाली क्रीम दिखा रही हूँ, इसके अंदर ग्लूटाथायोन है और ऑब्वियसली आपको पता है ग्लूटाथायोन एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है, तो ये आप डे में भी लगा सकते हैं और नाइट में भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ये, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम है ग्लूटामैक्स, तो ग्लूटाथायोन तो इसके अंदर है ही है। और ये जो है इसका आप ये समझ लें कि ये आप डेली बेसिस पे लगा सकते हैं, सुबह के टाइम भी, मेकअप से पहले भी और फिर आपको सोने से पहले भी। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली क्रीम, ये भी ऑल स्किन टाइप्स है, आप डे में भी लगा सकते हैं, नाइट में भी लगा सकते हैं, आप ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, ये डे में लगाएं, ये नाइट में लगाएं, या ये डे में लगा लें, ये नाइट में लगा लें। ठीक है, अभी मैं आपको जो है वो क्या कहते हैं कुछ सिरम्स भी दिखाने लगी हूँ। अभी आप सिरम देखेंगे तो सिरम को आप डे में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डे में पहले ये लगा लें और फिर उसके ऊपर जो है वो आप अपना सनब्लॉक लगा सकते हैं। ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये अल्फा एल्ब्यूटीन के साथ है और ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये विटामिन सी के साथ है। तो ये दोनों आप देख लें, ये आप डे टाइम में बिफोर सनब्लॉक यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी स्किन को जो है वो डल भी नहीं होने देगा और जैसे विटामिन सी है तो इसमें आपको प्योर एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मिल जाएगा। ऊपर से जो है वो आप अपना सनब्लॉक लगा लें, मेकअप करना है तो वो आप सनब्लॉक लगाने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली क्रीम, ये भी बहुत जबरदस्त व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम है, आप इसे मॉर्निंग में भी यूज कर सकते हैं और नाइट में भी यूज कर सकते हैं। ये आपको एक और सिरम दिखा रही हूं, ये जो है ये बेसिकली एंटी रिंकल और एंटी एक्नी और उसके साथ इसके अंदर ग्लूटाथायोन भी है, तो ऐसे लोग जिनकी स्किन जो है उस पर एक्नी है या उनके पोर्स ओपन हुए हुए हैं और साथ में कलर को अच्छा रखना चाहते हैं तो रात को पहले ये लगाएं और फिर उसके ऊपर क्रीम लगा लें। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये नाइट क्रीम है, ये आपने नाइट में ही लगानी होती है या आप सोने से पहले लगाएंगे, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये नाइट क्रीम है। अब मैं आपको ये वाली क्रीम दिखा रही हूँ, ये बहुत जबरदस्त क्रीम है, आप मॉर्निंग में भी यूज कर सकते हैं बिफोर सनब्लॉक और फिर उसके बाद रात को सोते टाइम भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। एक मैं आपको ये वाली क्रीम दिखा रही हूँ, ये ब्राइटनिंग करती है, पोर्स नहीं क्लॉक करती है, ये आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं और नाइट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं आपको और क्रीम दिखाने लगी हूँ, ये वाली क्रीम जो है ये जिनकी स्किन जो है उसके ऊपर अनइवन टोन होता है बहुत ज्यादा, बहुत पैची हुई भी होती है, तो इसको लगाने का एक खास तरीका है, इसका नाम है क्राइटेरा, लेकिन इसको लगाने का भी एक खास तरीका है। वो क्या तरीका है कि आपने जैसे मगरिब के बाद सनब्लॉक की जरूरत नहीं होती है तो आपने अपना फेस वॉश किया, उसको डैप ड्राई किया और उसके ऊपर इस क्रीम को लगा लें, पूरे फेस के ऊपर लगा लें, लेकिन इस क्रीम को आपने विद इन 15 मिनट्स वॉश कर देना है, सारी उतारते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स के लिए आपने इसको लगाना है, इसे कोई आप लगा के नहीं रख सकते। इसको आपने इसीलिए यूज करना होता है कि अगर स्किन जो है वो बहुत ज्यादा अनइवन और पैची है तो फिर आप ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपने 15 मिनट्स के लिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ 14 मिनट्स पे ही उतारते हैं, आपको 15 की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 15 तो लिमिट हो गई। ठीक है, तो ये आप यूज करेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको इसलिए ये चीजें दिखाती हूँ ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि किस किस्म की चीजें जो हैं वो आपको यूज करनी चाहिए या आप यूज कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, डे टू डे बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ जरूर चाहिए होता है। तो देखें, अगर आपने सिरम लगाना होता है, सिरम और क्रीम लगानी है और सनब्लॉक लगाना है तो उसका ऑर्डर याद रखें, पहले सिरम लगेगा, फिर उसके ऊपर जो है वो आपकी क्रीम लगेगी और फिर आपका सनब्लॉक लगेगा, फिर उसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं। ये आपने ऑर्डर याद रखना है क्योंकि अगर आपका ऑर्डर गलत होगा तो आपको उतना फायदा नहीं होगा इतनी सारी चीजें लगाने का जितना कि होना चाहिए। पहले आपने क्लिंजिंग
पहले आपने सीरम लगाना है, अगर आप सीरम लगा रहे हैं तो डे की बात कर रही हूँ, पहले सीरम, फिर क्रीम, फिर सनब्लॉक और फिर मेकअप। अगर आप रात को लगा रहे हैं तो रात में भी आपने यही करना है, पहले आपने सीरम लगाना है और फिर उसके ऊपर आपने क्रीम लगानी है, ठीक है। अगर कोई एंटी एजिंग क्रीम लगानी है तो वो लास्ट में लगेगी उसके ऊपर, पहले जो है वो आप सीरम लगाएंगे, फिर आपने क्रीम लगानी है, और अगर कोई एंटी एजिंग क्रीम लगानी है तो वो उसके ऊपर लगेगी, वो लास्ट में लगेगी। ये मैं आपको ऑर्डर बता रही हूँ। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप चीजों को यूज करते हैं, पाइल अप करते हैं या लेयर्स लगाते हैं स्किन के ऊपर, तो ऑर्डर बहुत जरूरी होता है। अगर आपका ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता। चलें जी, ये था हमारा आज का लाइव सेशन, और आप लोग अगर सजेस्ट करना चाहते हैं टॉपिक्स तो यहीं पे इसके नीचे ही जो है वो आप लोग अपने क्वेश्चंस भी, क्वेरीज भी, और जो टॉपिक्स आप चाहते हैं जिस पे बात करें, वो सारे के सारे आप नीचे लिख सकते हैं, हम उसको पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद आपको रिप्लाई भी देंगे, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस टॉपिक पे बात करनी है। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें, बाद में जो है वो आप उसकी इन्फॉर्मेशन क्लिनिक के नंबर्स पे कॉल करके भी ले सकते हैं।